आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। लोकसभा चुनाव के तहत आगामी 25 मई को जिले के 2006 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक महकमे की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं 2006 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बहाल होने को लेकर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस बल के अलावा देहरा इलाके में गश्त करने के लिए घुड़सवार की टीम को लगाया गया है। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि बैकुंठपुर के देहरा इलाके और जादूपुर थाना के पतहरा दीलरा इलाके में घुड़सवार, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के साथ गश्त की गई। वहीं उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट कर दी गई है कि परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे। अत्याधुनिक हथियारों से लैस अर्धसैनिक बल के जवान मतदान के दिन चिन्हित मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। गोपालगंज में छठे चरण का स्वेच्छित लोकसभा का चुनाव 25 मई को हो रहा है। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। गोपालगंज के थावे स्थित डाइट सेंटर में विधान सभावार ईवीएम का डिस्प्ले सेंटर बनाया गया, जहां से मतदान कर्मियों को ईवीएम सौंपा जा रहा था। सभी मतदान कर्मियों को दोपहर 2 बजे तक मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सलाह दिया गया था। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने में किसी तरह की कोताही नहीं हो, इसके लिए 243 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 4 मजिस्ट्रेट के ऊपर एक जोनल अधिकारी तैनात किया गया है। गोपालगंज में 20 लाख मतदाता आज अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बिहार यूपी सीमा, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण सीमा को सील कर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दिया गया है। देहरा इलाके में नाव से पेट्रोलिंग व घोड़सवार जवानों को तैनात किया गया है। डीएम मकसूद आलम ने कहा कि जिले में 2006 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर 243 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 4 मजिस्ट्रेट के ऊपर जोनल अधिकारी होंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि सीपीएफ और बिहार पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में मतदान होगा। डीएम ने लोगों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने की अपील की है। वहीं गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि गोपालगंज में 33 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा मतदान में बाधा पहुंचाने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें लाल कार्ड सौंपा गया है और उन्हें बॉन्ड डाउन कराया गया है। एसपी ने कहा कि घुड़सवारी दल की टीम को भी जिले में बुला लिया गया है। देहरा इलाके में घुड़सवारी की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। मतदान के दौरान बाधा पहुंचाने वालों की निगरानी को लेकर 7 ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। मतदान केंद्र जो है हम लोग वहाँ पे गोपालगंज ब्लॉक में बनाए हैं। ऐसे प्रत्येक विधानसभा में एक जो है विकलांग दिव्यांग के लिए बना है, एक महिला के लिए बना है और एक यंग के लिए जो है यहाँ पे गोपालगंज में। लोकसभा चुनाव को लेकर थावे थानाध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि वाहन जांच थाना क्षेत्र के थावे दुर्गा मंदिर, गोलंबर चौक, चनावे, इटवा पुल, धतिवना और रुझान चौक पर सभी तरह के आने जाने वाली गाड़ी के कागजात आदि की जाँच की गयी। साथ ही लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर 25 मई को मतदान करने की अपील भी किया गया। वाहन जांच के दौरान दरोगा धीरेंद्र कुमार, जमदार नीरज कुमार पांडे सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। थावे डायट में बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर शुक्रवार को चुनाव कर्मियों के बीच सुबह 8 बजे से ही मतदान सामग्री का वितरण शुरू हो गया, जिसको लेकर सुबह में चुनाव कर्मियों को पहुंचना शुरू हो गया था। चिलचिलाती धूप में मतदान कर्मियों ने ईवीएम मशीन के साथ साथ मतदान सामग्री प्राप्त कर वाहन मिलते ही अपने पोलिंग पार्टी के साथ बैठ कर बूथ पर रवाना हो गए। चुनाव संबंधित वाहनों को लेकर गोपालगंज, मीरगंज, एनएस पर जाम की समस्या बनी रही। थावे बस स्टैंड पर तैनात पुलिस पदाधिकारी जाम को हटाने में जुटे रहे। वहीं लगभग 3 बजे तक सभी चुनाव कर्मी सेक्टर में स्टेट पुलिस अधिकारी के साथ अपने अपने बूथों पर जाने के लिए रवाना हो चुके थे। थावे डायट के डिस्पैच सेंटर पर अपने काफिले के साथ पहुंचे डीएम मोहम्मद मकसूद आलम, एसपी स्वर्ण प्रभात ने चुनाव कर्मियों से मिलकर पूछताछ कर स्थिति का जायजा लिया। उपस्थित सेक्टर में स्टेट पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि पोलिंग पार्टी को सुरक्षित उनके बूथ पर पहुंचकर जिला मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे। इस दौरान डीटीओ उपेंद्र पाल, सदर एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार, एसडीपीओ प्रांजल कुमार, बीडीओ अजय प्रकाश राय, सीओ रवि भूषण गौरव, थाना धीरेंद्र कुमार, नीरज पांडे सहित जिले के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभा द्वारा आसन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 के नियमित शुक्रवार को अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट प्रखंड भोरे में भिगारी एवं प्रखंड विजयपुर में पगरा चेक पोस्ट का जाँच किया गया। वहाँ उपस्थित सुरक्षा कर्मियों से गतिविधियों की जानकारी ली गयी और आवश्यक निर्देश दिए गए। चेक पोस्ट पर मौजूद संधारित पंजी का भी निरीक्षण किया गया। क्रम में भिंगारी चेक पोस्ट पर थाना प्रभारी भोरी अनिल कुमार एवं पगरा चेक पोस्ट पर थाना प्रभारी विजयपुर मनीष कुमार मौजूद रहे। कटिया थाना क्षेत्र के सिधरिया में विवाहिता की मौत मामले में पति सहित 5 लोगों के विरुद्ध थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में विवाहिता के पिता थावे थाना क्षेत्र के पठानपट्टी निवासी हैदर अली ने थाने में दिए गए आवेदन में लगाया है कि मेरी पुत्री खुशबू निशा की शादी विगत 9 महीना पहले थाना क्षेत्र के सिधरिया निवासी अब्बास साई के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर मेरी पुत्री के साथ मारपीट करते रहते थे। इसी बीच बुधवार को मेरी पुत्री की मौत हो गई। इस मामले में पीड़ित पिता ने पति सहित 5 लोगों के विरुद्ध जान से मारने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में, संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर। साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एन इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोवंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। Admission opens for class kids up to 10. हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन, विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुडहोल मार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। गोपालगंज के हथुआ स्टेशन के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 8 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन महिलाओं के जरिए शराब की अवैध तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने लंबे समय से इन तस्करों पर नजर रखी हुई थी और आखिरकार गुप्त सूचना मिलते ही छापेमारी की गई। गिरफ्तार महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार को बड़ा झटका लगा है और स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।